हो गया था, इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कि पैथोजेनेसिस क्या होती है कैंसर की, कि किस तरह से कैंसर जो है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर में हम पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि अलग अलग, हमने कल देखा था कि कई जीन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके अंदर। पर्टिकुलरली यदि हम पार्ट वाइज देखें तो एक इम्पोर्टेंट कल हमने कहा था कि P3 जीन्स, P53 जीन्स है ना, ये जीन जो है वो हमारी सेल की इंटीग्रिटी को रेगुलेट करता है, डीएनए रिपेयर या डीएनए डैमेज से रिपेयर को ये कंट्रोल करता है। तो अगर ये जीन एक्टिवेटेड रहता है तो हमारी सेल वापस से रिपेयर होकर के हील हो जाती है, या वो एपोप्टोजेनेसिस प्रोसेस या जो प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस है उसके अंदर वो उस कैटेगरी में चली जाती है। और यदि ये प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होता है या ये जीन जो है ये एक्टिवेट नहीं हो पाता है तो वो जो सेल है वो कैंसरियस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब देखो ये किस तरह से इसके, ये पैथोजेनेसिस है कि P53 जीन्स का एक्टिवेशन नहीं होएगा तो हमारे को कैंसर कैसे डेवलप होता है। तो हम जानते हैं कि कल हमने कई फिजिकल फैक्टर्स पढ़े थे या कई फैक्टर्स पढ़े थे जिसकी वजह से हमारे को कैंसर डेवलप होता है। तो इनमें से कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे उन फैक्टर्स को जो कैंसर डेवलप कर रहे थे या जो केमिकल्स थे उन केमिकल्स को हम बोल रहे थे कार्सिनोजन्स, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर प्रोड्यूस करें। तो या तो आपकी बॉडी एक्सपोज हुई है किसी कार्सिनोजन्स के, या कोई आयोनाइजिंग रेडिएशंस, कल जैसे हमने कहा था एक्सरे है ना, या आपकी पर्टिकुलरली इस तरह का हम यूवी रेज इनके एक्सपोजर में आते हैं तो हमारे को कैंसर डेवलप होता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी आयोनाइजिंग रेडिएशंस या इस तरह के केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आएगी तो उस केस में हमारे को कैंसर की रिस्क होने के, डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अब दो प्रोसेस हैं इसमें बेटा, या तो हमारी सेल रिपेयर होकर के ठीक हो जाए, या दूसरा प्रोसेस ये होता है कि हमारे को इस तरह के कैंसर की रिस्क के डेवलपमेंट के चांसेस हो जाए। ठीक है, तो अब देखो ये एक आपकी सेल दिखा रखी है जो नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। जब इस नॉर्मल सेल का एक्सपोजर आयोनाइजिंग रेडिएशंस या कार्सिनोजेंस या म्यूटेजेंस के कॉन्टेक्ट में आएगी तो इसके अंदर डैमेज होएगा। तो पर्टिकुलरली इस सेल के अंदर जो है वो डैमेज होएगा और ये इसके डीएनए के अंदर डैमेज करेंगे। तो इससे पहला प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आप आयोनाइजिंग रेडिएशंस के कॉन्टेक्ट में जाएंगे या कार्सिनोजेंस के कॉन्टेक्ट में जाएंगे, इस सेल का डीएनए डैमेज प्रोसेस स्टार्ट होएगा। तो एक तो डीएनए डैमेज इस तरह से हो सकता है कि आप कोई केमिकल के कॉन्टेक्ट में जा रहे हो या आयोनाइजिंग रेडिएशंस के कॉन्टेक्ट में जा रहे हो। दूसरा डीएनए डैमेज कैसे हो सकता है, यदि उस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिले तो भी वो सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया होकर के भी वो डीएनए डैमेज करेगा। तो अब इस डैमेज की वजह से क्या होता है, देखो जैसे डीएनए डैमेज होएगा हमारी सेल के अंदर जो P53 जीन है ना, ये P53 जीन है ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। और ये जीन एक्टिवेटेड होकर के इसका जो डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, उस डीएनए से ये जो जीन है P53, ये जीन इसके साथ में बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है बेटा, और बाइंड अप होकर के उसमें रिपेयरिंग प्रोसेस एक्टिवेट करेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस ये जरूरी होना होता है यहाँ पे कि P53 जीन एक्टिवेट हो। ये जीन एक्टिवेट हो गया तब तो हमारी सेल क्या काम करेगी, या तो रिपेयर कर लेगी या एपोप्टोसिस प्रोसेस से वो प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस में कन्वर्ट होकर के डेथ उसकी हो जाएगी। तो ये जीन एक्टिवेट होना जरूरी है, एक्टिवेट होने के बाद ये इसके डीएनए के साथ बाइंड होना चाहिए। तो अब जैसे ही ये डीएनए के साथ ये जीन बाइंड होएगा, हम जानते हैं उसका जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का है उसका अपरेगुलेशन होएगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को अपरेगुलेट कर करके टारगेट जीन्स पे जाके बाइंड करेगा, और या तो P21 जीन को एक्टिवेट करेगा, इनहिबिट करेगा सॉरी, या इसके अंदर डीएनए को रिपेयर करेगा। तो अब अगर ये P21 जीन ये एक्टिवेट इनहिबिट हो जाता है
तो उस केस में कल हमने सेल साइकिल पढ़ी थी कि जी जीरो से जीवन फेज आती है ना, तो उस जीवन फेज को ये अरेस्ट कर देगा, और अरेस्ट करके क्या काम करेगा, इसका डीएनए को रिपेयर करेगा, और उसकी वजह से सेल के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और वो सेल रिपेयर होकर के, सेल प्रोलीफ्रिकेशन होकर के उस सेल का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये देखिए आपकी नॉर्मल एक सेल से दो सेल तीन सेल बन गई। ये तो नॉर्मल हमारी बॉडी की सेल की ग्रोथ कैसे होती है वो दिखाई गई है। अगर ये डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता है, ये फेल हो जाता है, तो वो सेल खुद को अपने आप को किल कर लेगी, जिस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अपरेगुलेशन में डायरेक्टली भी ये हो सकता है कि इसके अंदर सर्टेन टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, बैक्स प्रोटीन्स, ये बैक्स प्रोटीन्स इस तरह के जीन्स जब इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो सेल अपने आप को किल कर लेती है, और उस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम छोड़ दें, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे को कैंसर कैसे डेवलप होता है, तो उस केस में देखिए ये राइट साइड में आपका दिखा रखा है, अगेन हमारी ये नॉर्मल सेल है। जब ये सेल कॉन्टेक्ट में आएगी आयोनाइजिंग रेडिएशन या कार्सिनोजेंस या म्यूटेशन के, तो अभी हमने कहा कि इसका डीएनए जो डैमेज है वो होगा, लेकिन अभी नॉर्मल प्रोसेस में हमने देखा था कि ये P53 जीन जो था वो एक्टिवेटेड हो गया था। अगर ये P53 जीन एक्टिवेटेड नहीं हो, है ना, ये एक्टिवेटेड नहीं होएगा, तो उस केस में ये सेल के अंदर जो सेल साइकिल जीवन अरेस्ट हो रही थी, वो सेल साइकिल जीवन अरेस्ट नहीं होएगी, और ना ही इसका डीएनए जो है वो रिपेयर होगा। क्योंकि हमने कहा था P53 जीन डीएनए के साथ बाइंड होकर के उसमें रिपेयरिंग प्रोसेस एक्टिवेट कर रहा था, जैसा कि यहां हमने कहा था उसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। तो इस केस में ये सेल म्यूटेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ एबनॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जिससे वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी जो आपके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, चाहे वो आयोनाइजिंग रेडिएशन हो, कार्सिनोजेंस हो, म्यूटेजेंस हो, उनके कॉन्टेक्ट में आने के बाद सेल, उसमें P53 जीन्स का एक्टिवेशन होना चाहिए। अगर ये जीन एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, तो उस केस में डीएनए रिपेयर प्रोसेस नहीं होता है, और वो सेल्स म्यूटेंट सेल्स में कन्वर्ट होकर के कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ या ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा? सर वो एक्टिवेट क्यों नहीं होगा P53? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, देखो, अगर एक्टिवेटेड हो जाता है तो वो तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया सेल का। ठीक है, एक्टिवेटेड हो गया, जैसे हमारी सेल इंजरी भी होती है या सेल रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें तो ये एक्टिवेटेड होता है। लेकिन जब कैंसरियस सेल्स में वो कन्वर्ट होती है, तो उस केस में इसमें का एक्टिवेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ये सेल्स म्यूटेशंस में जा रही है, तो ये जीन एक्टिवेशन ही डिपेंड करता है। अब जैसे कई लोग हैं, उनके 100 100 एक्सरेज हो जाते हैं या सीटी स्कैन्स हो जाते हैं, तो भी उनको कैंसर नहीं होता। कई लोग हैं जैसे कई कई सालों से वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनको कैंसर नहीं होता। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जो स्मोकिंग उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो सेल्स हैं, उसमें P53 जीन्स का म्यूटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबल रीजन्स नहीं है। रिस्क फैक्टर जरूर है कि अगर आप उन रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर में जाओगे, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हो, कल हमने जो फैक्टर्स बताए थे एटियोलॉजिकल, या आप कार्सिनोजन के कॉन्टेक्ट में जाओगे या आयोनाइजिंग रेडिएशंस के कॉन्टेक्ट में जाओगे, तो चांस ज्यादा होते हैं कि ये P53 जीन्स का लूज हो जाता है। ठीक है बेटा, तन्मय? तो यस इस तरह से हमारे को कैंसर जो है वो डेवलप होगा। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिस तरह से कि P53 जीन्स का अगर इंटीग्रिटी या जीनोमिक इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करता है, ये सेल को एक तरह से रिपेयर करता है, एपोप्टोसिस प्रोसेस डेवलप करता है। अगर ये जीन एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो वो सेल कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजिकल में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली दो चांस होते हैं कि यदि क्रोमोसोम्स लेवल पे P53 जीन्स का एक्टिवेशन या फ्यूजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अगर वो एक्टिवेशन हो पा रहा है, तो वो सेल रिपेयर हो पा रही है, या उसमें एपोप्टोसिस प्रोसेस हो रहा है, या उसमें इस तरह के क्रोमोसोम्स का फ्यूजन या P53 जीन्स का रेप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है,
एक तरह से जो टेलोमीरेज है ना, ये पर्टिकुलर आपके एंजाइम्स हैं और पर्टिकुलरली डीएनए सिंथेसिस में वो काम आते हैं, तो उनका रीएक्टिवेशन ज्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है सेल की ग्रोथ के लिए, ये जरूरी होना चाहिए। ये जैसे हमारा डीएनए है, इसमें हम कह रहे हैं कि चार न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, एक एडिनिन, एक गुआनिन जो यहाँ पे जुड़े होते हैं, देन साइटोसिन है ना, एडिनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, ये आपस में इस तरह से जुड़े रहेंगे। अब इसका सिंथेसिस कैसे होता है, तो इसके लिए बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए निकिंग और रीसेलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट एंजाइम्स आर नोन एज ए डीएनए गायरेज एंजाइम। आप बोल दीजिए चाहे तो उसको, क्या बोलेंगे, डीएनए गायरेज। कुछ बुक्स में ये एंजाइम का नाम लिखा रहता है, या इसका दूसरा नाम होता है डीएनए टोपो आइसोमरेज। ये नाम आपने सुना होगा, 10th या 12th तक की बुक्स में पढ़ा होगा कि टोपो आइसोमरेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए सिंथेसिस में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, टोपो आइसोमरेज। अब ये एंजाइम क्या काम करता है बेटा, ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम, जैसे डीएनए सिंथेसिस के लिए हम जानते हैं कि दो आपके स्ट्रैंड होते हैं जो आरएनए से वो आपका ऑब्टेंड करता है। तो अब जैसे ये एक आरएनए स्ट्रैंड है, तो सबसे पहले ये आरएनए स्ट्रैंड यहाँ पे अटैच होना चाहिए इस पार्ट में, तो इसके लिए इसकी कटिंग होनी चाहिए। तो ये जो इतना पार्ट कट हुआ है, ये जाकर के कट होकर के यहाँ पे इस स्ट्रैंड से अटैच होएगा, और अटैच होकर के अब ये हमारा डीएनए ऐसे हो गया, ये देखिए इस तरह का हो गया ये डीएनए, और ये कट वाला पोर्शन आगे आकर के जुड़ गया। फिर आगे फिर इसकी कटिंग होएगी, ये वाला नेक्स्ट पार्ट यहाँ आकर के जुड़ जाएगा इधर वाले साइड में। तो इस तरह से डीएनए चेन एलोंगेशन प्रोसेस चलता रहता है, या डीएनए सिंथेसिस होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब सेल कोई कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट होती है, तो इस एंजाइम के लेवल में है ना, इसके क्रोमोसोमल लेवल्स में चेंजेज होने की वजह से जो टेलोमेरेज हैं उनका रीएक्टिवेशन हो जाता है, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा और डीएनए सिंथेसिस ज्यादा होएगा, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होंगे, जिससे सेल एक से दो में नहीं, एक से नौ या दस। तो यहाँ पे देखिए, जो मल्टीपल एप्लीकेशन सेल या प्रोलिफरेशन, उसमें क्या होता है कि टेलोमियर्स होते हैं वो शॉर्ट टेलोमियर्स होते हैं, शॉर्ट टेलोमियर्स होते हैं तो इनिशियल सिंथेसिस होंगे, ये शॉर्ट करते हैं, प्रोलिफरेशन फेज को रेस्ट कर लेते हैं, जिसे बंद हो जाता है, ये सेल जो है वो किसके चली जाती है, प्रोलिफरेटिंग सेल हो जाती है। तो अब इसमें सेल डिवीजन ये होता है, ये अंदर टेलोमियर में करते ऑटोसिस में चली, लेकिन इस शॉर्ट टेलोमियर की शॉर्टनिंग जाती है, तो यहाँ पे दो चांसेस, या तो क्रोमोसोम रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन होता है, तो उसका जीनोमिक वो अब जैसे हो जाए तो सेल डेथ आपका प्रोग्राम इसके अंदर आपका होता है, तो होएगा। लेकिन कैंसर के जैसे होती है, ये टेलोमेयर वापिस से और यहाँ पे कोई को कैंसर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो टेलोमेरेज का रोल प्ले है कि टेलोमेरेज बार बार रीएक्टिवेट होते हैं, तो सेल केशंस बहुत ज्यादा डीएनए से सेल मल्टीप्लाई करेगी। यस हमने पहले से कि
कैंसर वाला पोषक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन कार्सिनोजेनेस हमारे को कैंसर से होता है। तो कल भी मैंने पढ़ा था कि इट्स हमारी बॉडी की केमिकल के इफेक्ट में जाती है, जो कैंसर करता है उसको हम जन है। तो जब जैसे कल हमने सिगरेट स्मोकिंग में आपको दिखाया था कि इनिशियली तो हमारी बॉडी हमारा लीवर है उसको डिसिफिकेशन करके उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कर देता है उन केमिकल्स को, तो इनिशियली हमारे अंदर डेवलप नहीं होता है। लेकिन बार बार ये जो हो रहा है बार केमिकल जाएगी तो या मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन बंद हो जाएगा, और जैसे ही बंद होएगा यहाँ पे इंटरमीडिएट या रेडिकल बनेंगे, और वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो डीएनए के साथ एडिशनली बाइंड कर लेंगे। और अभी हमने कहा था कि डीएनए के साथ क्रोमोसोम्स का बाइंडिंग होने पे दो चांस होते हैं, या तो वो सेल रिपेयर होकर के ठीक हो जाए या उस सेल की डेथ हो जाए। एक कारण तो ये हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रोसेस में तो ये होगा, लेकिन कैंसर कैसे डेवलप होएगा, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि डीएनए के परमानेंट लेजेंस के अंदर इनिशिएशन हो, उसमें बार बार प्रोलिफ्रेशन हो और इस तरह के प्रियो नियोप्लास्टिक क्लोन्स का फॉर्मेशन ज्यादा हो, तो कैंसर में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में ये जो परमानेंट डीएनए लेजियंस है वो इनिशिएट होगी सेल्स में और लगातार उस सेल के अंदर प्रोलिफ्रेशन होता रहेगा, कंटिन्यूअस सेल प्रोलिफ्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके।